नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह इस वक्त सीपी ऑफिस के बाहर। यहाँ पर कुछ शिकायतकर्ता आए हैं। एक शिकायतकर्ता पर्वतिया कॉलोनी संजय इंक्लेव पार्ट वन का है। कल हमने वीडियो दिखाया था जिसमें एक युवक के साथ मारपीट हुई थी, उसके पैर तोड़ दिए गए थे, उसके साथ लूट हुई थी, जिस पर सारण थाना पुलिस ने मुकदमा नंबर 231 दर्ज किया था। मुकदमा तो दर्ज हो गया। अब ये जो शिकायतकर्ता हैं सीपी साहब के दफ्तर आए हैं, सीपी साहब से मुलाकात किए हैं। हम इनसे पूछते हैं मुलाकात की वजह क्या है। आप लोग देख सकते हैं सीपी साहब के दफ्तर के बाहर, और ये जो घायल युवक है ये गाड़ी में ही बैठा है, ये उतर नहीं सकता। इसके पैर तोड़ दिए गए हैं, और इसका जो इसके भाई हैं, क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम किशन है। किशन जी, आप सीपी साहब से मिलने आए हैं, क्या वजह है? सर वजह ये है कि जो हमारा केस है उसमें पहले 379 भी लगी हुई थी, और कल एसीपी साहब आए तो उन्होंने हमारे बयान लिए, उसके बावजूद भी वो 379 भी हटा के और रविवार को ही कोर्ट में पेश करके जमानत ले ली है। अच्छा, हाँ, वो बाहर आके बोल रहे हैं कि अब बिगाड़ लो, मेरा क्या बिगाड़ोगे तुम। अच्छा, और फैसले जो मुकदमा नंबर 231 दर्ज हुआ था, हाँ जी, आईपीसी 323 325 34 506 और 379B के तहत दर्ज हुआ था। हाँ जी, 379B मतलब लूट की धारा थी। लूट की धारा थी, तो आपका कहना है वो धारा ही हटा दी। धारा ही हटा दी सर। तो मुकदमा तो कमजोर हो गया होगा। हाँ जी, मुकदमा कमजोर हो गया और उनकी जमानत हो गई है। जमानत हो गई। हाँ जी, तो इस तरह तो अन्याय हुआ इसके साथ, क्योंकि पैर टूटा हुआ है। हाँ जी, ये गाड़ी से उतर नहीं सकता और आरोपी बाहर घूम रहे हैं, उनकी जमानत हो गई है। हाँ जी, तो सीपी साहब से क्या कहा आपने? सीपी साहब को मैंने बताया सर ऐसे से ये धारा हटा दिया उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि मैं आईओ को बुला रहा हूँ, आप बाहर बैठो। अच्छा अच्छा, अब मेरे को इनसे ही उम्मीद है। सीपी साहब का मैंने बहुत नाम सुना है कि न्याय हाँ, करते हैं। सीपी साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, अच्छे अफसर हैं, इसीलिए मैं सुन के यहाँ पे आया हूँ। मेरे को इन्हीं से उम्मीद है कि मतलब न्याय मिलेगा। न्याय मिलेगा। अब बातचीत कर लेते हैं, जो घायल है वो गाड़ी में ही बैठा है, उसकी हालत बहुत बुरी है। कल भी हमने इनसे बातचीत की थी, पैर तोड़ दिए गए हैं। क्या नाम है सर? विष्णु। विष्णु जी, आप सीपी दफ्तर आए हैं, क्या कारण है? मैं इसलिए आया हूँ सीपी दफ्तर जी, मेरे केस में कोई सुनवाई नहीं हो रही। अच्छा। जो भी उन पे सेशन धारा लगाई गई थी वो उन्होंने पैसा खिला दिया। आपको कैसे, आपको कैसे पता चला धारा हट गई? धारा हट गई मेरे को, उन्होंने चौकी बुलाया, चौकी में देखा तो मैंने देखा वो लोग ना वहाँ बैठे हुए। अच्छा, अरेस्ट कर लिया था? अरेस्ट वरेस्ट का नहीं पता, वो बैठे हुए थे चौकी में, उसके बाद अब देख रहा हूँ तो वो घर पे खुल्ला घूम रहे हैं। अच्छा, आपको कैसे पता चला जमानत हो गई? क्या उनको कोर्ट में पेश किया गया था? कोर्ट में पेश होंगे जब ही तो जमानत होगी। अच्छा, कोर्ट में पेश करके जमानत मिल गई। 379 भी कोर्ट में पेश। अच्छा, 379 भी हट गई आपका कहना है। कहाँ चोट आई आपको? मेरे यहाँ कटोरी टूटी पड़ी है। वो कटोरी तोड़ दी इस पैर में, नोट आके। अच्छा, नीचे भी टाके। अच्छा, कमर पे भी नील पड़ रहे जी। तो आपके साथ लूट भी हुई थी है? कितना पैसा लूटा गया था? 23,500 रुपए लूटे गए थे। लेकिन जो है मन मुताबिक जो है कार्रवाई नहीं हुई इनका कहना है, और सीपी साहब के दफ्तर में न्याय मांगने पहुंचे हुए हैं। इनका पैर टूटा हुआ है, ये उतर नहीं सकते गाड़ी से, बैठे बैठे ही न्याय मांग रहे हैं। तो अब देखते हैं फरीदाबाद पुलिस और कमिश्नर साहब इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। फरीदाबाद लेटेस्ट न्यूज़ से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।